प्रदेश में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बना ली है और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के हाथों सत्ता सौंप दी है, प्रदेश की कमान सौंप दी है। हाल फिलहाल आज 5 जनवरी है और प्रदेश में RIC यानी राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में DG IG की बैठक होनी है और बैठक में तमाम जो देश के IG DGP हैं, IPS रैंक के अधिकारी हैं, वो पहुँचेंगे। कॉन्फ्रेंस होनी है, मास सम्मेलन होगा जो हर साल आयोजित किया जाता है। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि आज ही केंद्रीय नेतृत्व भी दिल्ली से यहाँ पहुँच रहा है जयपुर। 3 दिन के प्रवास पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की बात कर लें, अमित शाह की बात कर लें, जो गृहमंत्री हैं, और अजीत डोभाल भी उनके साथ रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खास बात यहाँ पे ये देखने को आई है कि हाल फिलहाल हम खड़े हैं विधानसभा के सामने, राजस्व सूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय के सामने, जहाँ पर देखिए सजावट का पूरा काम कर दिया गया है और सजावट जो है बेहतरीन तरीके से की जा रही है और पूरी तरह से केंद्रीय नेतृत्व को ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि स्वच्छ भारत अभियान जो है उसको लिए लगातार यहाँ पे काम किया जा रहा है। स्वच्छ भारत को गति देने के लिए यहाँ पे सरकार जो है प्रतिबद्ध है और आमजन से अपील करते हुए अपने नुमाइंदों को लगा रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस सरकार में भी कुछ ना कुछ खोट देखने को मिला है। मैं जहाँ पे बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ी बात ये पर्दा जो देख रहे हैं मेरे पीछे, ये पर्दा ऐसे ही नहीं लगाया गया, सजावट के लिए नहीं लगाया गया, बल्कि वह कमी छुपाने के लिए लगाया, गरीबों को छुपाने के लिए लगाया गया है। मैं दिखाना चाहूँगा आपको इस पर्दे के पीछे जो है वो नज़ारा, यहाँ पे ये पर्दे का पीछे का नज़ारा मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे जो ये कच्ची बस्ती का एरिया है जिसको ढक दिया गया है पर्दा लगा के, लेकिन पर्दा लगाने से बात नहीं बनती, पर्दा लगाने से गरीब नहीं ढक जाएंगे। जो कच्ची बस्ती है मेरे पीछे देख सकते हैं, दूर दूर तक ये फैली हुई है, कच्ची बस्ती है, वहाँ पर ये पूरा 22 गोदाम स्थित है, कच्ची बस्ती पर यहाँ पर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि पीछे सामने विधानसभा है, शायद प्रधानमंत्री मोदी या केंद्रीय नेतृत्व तो इस रोड से भी गुजर सकता है, इसलिए पर्दा लगाकर इसको ढकने की कोशिश की गई है। प्रशासन द्वारा लगातार जो मॉनिटरिंग की जा रही थी, दावे किए जाते हैं कि गरीबों की सरकार है, लेकिन आज जो देखने को मिला पर्दा लगा के इन कच्ची झोंपड़ी को ढक दिया गया है कि केंद्रीय नेतृत्व की नज़र कहीं ना कहीं नहीं पड़ जावे। और BJP जो लगातार दावे कर रही थी, BJP दावों में ये कह रही थी कि हम गरीबों की सरकार हैं, गरीबों के हित में काम करती हैं। सबसे खास बात यह है कि 3 दिन तक यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व रुकने वाला है। भजन लाल शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, निर्देश देते नजर आ रहे हैं अपने नुमाइंदों को, प्रशासन को, शासन को कि कहीं भी कोई चूक नहीं होनी चाहिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा की बात कर लें, अमित शाह की बात कर लें, और तमाम जो केंद्रीय नेतृत्व हैं, IG DGP पहुँच चुके हैं यहाँ पर, कल से आना शुरू हो गया था उनका और आज से RIC में बैठक शुरू हो गई है। लेकिन ये पर्दा लगाकर जो ढकने की कोशिश की गई है सरकार द्वारा, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल पैदा करती है, सरकार के दावों पर सवाल पैदा करती है, सरकार के जो घोषणा पत्र था उस पर सवाल पैदा करती है। तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी कि अब ये गरीब हटेंगे या इनकी झोंपड़ी हटेंगी या पर्दे के द्वारा केंद्रीय नेतृत्व की आंखों में धूल झोंक कर इसको एटीट्यूड रखा जाएगा। कैमरा पर्सन रमाकांत व्यास के साथ संदीप अग्रवाल, द नगरी मीडिया, जयपुर।